आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। और हाँ, मैं दोबारा ट्रैवल कर रहा हूँ और इस बार मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश। मतलब वही जाना होता है यार, हर दो महीने में एक ट्रिप तो मारना होता है ऋषिकेश का, और अकेले नहीं जा रहा इस बार। इस बार हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे गाड़ी के थ्रू, और मेरे साथ ये लोग हैं। ये अभी सबसे इंट्रोड्यूस करते हैं यार, और बहुत अमेजिंग ट्रिप होने वाला है ये। अभी हम लोग मिडवे पे रुके हैं, दिल्ली से हम निकल गए थे लगभग 4:30 बजे के आसपास, एंड बीच में हमें आधा घंटा CNG का वेट करना पड़ा बिकॉज मेरठ पे बहुत तगड़ा लाइन लगा हुआ था। तो पूरा वीडियो देखते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे ऋषिकेश में, मतलब पुरानी जगह तो है और नई नई भी एक्सप्लोर करेंगे। और अभी यहाँ मैकडॉनल्ड्स खुलेगा तो कुछ खाते वाते हैं यहाँ पे और फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। ये सब लोगों की लड़ाई चल रही है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त सीन हो रहा है। ये दीदी सबसे गुस्सा है, ये वाली दीदी, और बहुत मजा आ रहा है। और अब चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हम लोग ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं, तो हरिद्वार के बाद हमने जो कट होता है जो चिला की साइड से आता है वो ले लिया था। अरे अभी हम लोग इस रोड से आ रहे हैं, मतलब यहाँ का यार व्यू बहुत जबरदस्त है। अगर कभी आ रहे तो इस रोड से आना, बिकॉज वहाँ पे तो पूरा शहर का आपको हसल वासल दिखेगा। बट यहाँ से आओगे तो बहुत शांत रोड है, ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं होता और बहुत अमेजिंग जगह है। एंड बीच में आपको व्यूज़ भी मिलेंगे, एक डैम मिला था, अभी आगे जाके बैराज भी मिलेगा, तो ये बहुत अमेजिंग जगह है। अगर आप ऋषिकेश की साइड से आते हो जो बैराज वाला रोड है वो इधर ही आके कनेक्ट होता है। एंड अगर आप हरिद्वार की साइड से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, तो इधर से आओ, मतलब आपको हरिद्वार के बीच में से कट लेना होता है, वो थोड़ा गूगल मैप्स की हेल्प ले लेना आप। एंड चिला की साइड से ऐसे कहते हैं, चिला विलेज है, पता नहीं क्या है, राजीव नेशनल पार्क से होता हुआ आता है एंड बीच में से रोड निकलती है। एंड मैं आपको ज़रा व्यू दिखाता हूँ यार यहाँ का, मतलब क्या अमेजिंग व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन, बहुत जबरदस्त। यहाँ पे ये पारुल है, ये थोड़ा सा ये डीजे है हमारी आज की, ये आगे बैठती है और डीजे है। ये पीछे शिखर है और शिवानी है, ये दोनों पिक्चर क्लिक कराने हैं भाई, दोनों बहन भाई एकदम ऐसे, मतलब फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। सीन अभी ऐसा है कि हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम में, एंड हम लोगों ने होटल वही लिया जो मैंने कभी 350 का लिया था। सो वी गॉट 2 rooms फॉर अराउंड 1800 एंड इट्स लाइक गुड, बिकॉज अभी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्राउडेड है तो इसलिए हमें इतना कोई अच्छा डील मिल नहीं पाया। बट या रूम इज़ वेरी डिसेंट, आई जस्ट गिव यू अ काइंड ऑफ ब्रीफ लुक ऑफ द रूम। बट हम लोग सामान यहाँ पे बिखेर चुके हैं, मतलब मैं तो अपना पूरा सामान यहाँ पे ऐसे फेंक चुका हूँ, तो इसलिए इतना कोई अच्छा रूम दिखेगा नहीं। बट आई जस्ट गिव यू अ काइंड ऑफ ब्रीफ लुक ऑफ द रूम। सो दिस इज़ अ रूम, मतलब ऐसा कुछ फैंसी नहीं है, यहाँ पे भाई के कपड़े पड़े हुए इधर, और ये ऐसा है, ये छोटी सी बालकनी दे रखी है। ये एक्चुअली हमने 3 beds ले लिया था बिकॉज मेरे को यहाँ पे सामान रखना था और इनके पास 2x2 bed का कोई अवेलेबल भी नहीं था। तो ऐसे बालकनी है, मैं आपको घर का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, मतलब इतना कोई अच्छा व्यू नहीं है यहाँ पे, ऐसा है। एंड यहाँ पे जो मेन रोड है उधर जा रही है, तो भाई अभी नहा रहे हैं, उधर दूसरे रूम में सब जो लड़की लोग हैं वो सब रेडी वगैरह हो रहे हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ सबसे पहले, बने रहना यार। और अभी हम लोगों का प्लान है कि वाटरफॉल पे जाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो मैं पूरा दिखाऊंगा यार आपको वीडियो में, तो पूरा बने रहना और देखना यार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं बिकॉज इस बार हम ग्रुप में आए एंड सोलो ट्रिप नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स सी, अभी हम लोग अत्रिया कैफे आ चुके हैं, कुछ ब्रंच टाइप करना है बिकॉज ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं था और लंच भी करना है बिकॉज इट्स अराउंड 1:30। एंड यहाँ पे मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, लाइक आई केम हियर अराउंड 2 years back, बट फूड वॉज रियली अमेजिंग। तो अभी कुछ खाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि खाना कैसा था। खाने पीने के बाद हम लोग वाटरफॉल पे आ चुके हैं, एंड भाई यहाँ इतना ज़बरदस्त और इतना सारा क्राउड है ना कि मैं पानी में नहाने जाने का सोच रहा था, बट आई कैन नॉट गो इन देयर बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, पानी भी साफ नहीं लग रहा। ऊपर वहाँ कोई कपड़े धो रहे हैं और नीचे लोग नहा रहे हैं, तो भाई बड़ा अजीब सा लग रहा है। और मेरा प्लान फुल था कि मैं नहाने जाऊँगा वाटरफॉल में, बट आज मैं नहीं जा रहा बिकॉज क्राउड बहुत सारा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है अभी पीछे का, दिखाता हूँ कि लोग कितने सारे हैं। अभी हम लोग वाटरफॉल से थोड़ा सा नीचे आ गए, एंड यू कैन जस्ट सिट इन देयर, यहाँ पे सीटिंग का पूरा हिसाब किताब होता है, आप लोग मैगी खा सकते हो, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, इट्स ऑल इन ऑल अ वेरी गुड प्लेस टू चिल हियर विद योर फ्रेंड्स। आई विल जस्ट शो यू के सीटिंग कैसा रहता है यहाँ पर।
अभी हम लोग बीच पे होके आ चुके हैं और आज बीच यार थोड़ा सा ज़्यादा क्राउडेड था, क्राउड इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा मेरे को यहाँ पे आज, पता नहीं क्यों, मतलब जो मेरी अनएक्सप्लोर्ड जगह थी वो अभी एक्सप्लोर होनी शुरू हो गई है। और हम जैसे ही ऊपर वापस आ रहे थे तो दो तीन फैमिलीज भी नीचे गए थे और एक प्री वेडिंग शूट भी हो रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा क्राउडेड था, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया अभी किसी और लोकेशन पर चलते हैं। तो बीच का तो मैं ऑलरेडी आपको अपने पुराने वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा वीडियोज़ का लिंक और आई बटन में भी डाल दूंगा जो मेरे जितने भी पुराने वीडियोज़ थे जहाँ पे मैंने बीच का दिखाया। और अगर इसका रास्ता देखना तो भाई वही इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे पूछ लो मेरे से, मैं बता दूंगा कि कहाँ पे है। अभी हम लोग बीच से होके आ चुके हैं, यहाँ राम झूला मेरे सामने, राम झूला के जस्ट साइड में एक बीच है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैठे थे, मतलब थोड़ा शांति लेने के लिए, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कोई अभी क्राउड है नहीं, पीपल आर जस्ट सिटिंग हियर एंड दे आर जस्ट चिलिंग। I really like the kind of positivity that this place gives to me. And अभी जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, there was this person who is not from India, but he was giving lessons on Indian music and he was chanting here. So this is the kind of place it is के यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल different cultures एक साथ मिलेंगे and different लोग different चीज़ों पे बात करते हुए मिलेंगे। So I'll just give you a kind of cinematic of this place कि क्या अभी कैसे चल रहे, क्या क्या activities चल रही हैं। So you can just have a look and you can understand. डिनर करने के लिए हम लोग आए हैं फ्रीडम कैफे एंड मुझे यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त लाइट मिला है, उसके हेल्प के थ्रू मैं थोड़ा सा व्लॉग कर पा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे पूरा आउटडोर सेटिंग है एंड बहुत अमेजिंग सेटिंग है। मतलब फ्रीडम कैफे वाला अपने आप को अभी रेनोवेट कर रहा था, द वे इन विच दे हैव रेनोवेटेड देमसेल्व्स, इट्स अमेजिंग है, मतलब बहुत अच्छा सेटिंग है और इट्स जस्ट लाइक जैसे गोवा के शार्क्स होते हैं वैसा कुछ इन्होंने बनाया अभी। एंड लाइट दिखाता हूँ कौन सी लाइट से मैं हेल्प ले रहा हूँ, तो ये ऐसा कुछ लाइट है जिसकी मैं हेल्प ले रहा था, ऐसा कुछ मैं दिख रहा था। तो आज भाई सेकंड डे है हमारे ट्रिप का एंड हम लोगों का पूरा प्लान था कि हम आज राफ्टिंग पे जाएंगे, बट हम लोग जा नहीं पा रहे बिकॉज हमें राफ्टिंग के लिए स्लॉट नहीं मिला, बिकॉज इट्स वेरी क्राउडेड एंड बहुत जल्दी राफ्ट चल रही है, बहुत कुछ मतलब गड़बड़ हो रही है। चोटी वाले रेस्टोरेंट से हम लोग मतलब ब्रंच करके निकल चुके थे एंड फिर हमने स्कूटी वापस करी और सीधा गाड़ी लेके हम पहुंच रहे हैं मसूरी, देहरादून हमने क्रॉस कर लिया एंड वी आर समवेयर इन बिटवीन, अभी वॉशरूम ब्रेक वगैरह ऐसा कुछ लिया एंड यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। भाई व्यू आ रहा है एकदम ज़बरदस्त और मौसम भी हो रहा है एकदम मस्त, तो ऊपर चल के अभी देखते हैं मसूरी में कि कितना मज़ा आने वाला है, और मैं आपको ज़रा व्यू दिखाता हूँ यार आसपास का कितना मस्त हो रहा है अभी। हम लोग मसूरी पहुंच चुके हैं, मॉल रोड से हम लोग ये कैमल बैक रोड पे आए थे, मतलब इट्स लाइक वेरी अमेजिंग रोड यार, और यहाँ से हम लोग आगे गाड़ी पार्क करके अभी मॉल रोड पे जाएंगे और वहाँ थोड़ा सा घूमेंगे और फिर डेली निकल जाएंगे, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे भाई हो रही है बहुत ज़बरदस्त ठंड, मतलब मैं शॉर्ट्स एंड टी शर्ट हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पास कुछ पुलओवर होना चाहिए था या जीन्स होनी चाहिए थे बिकॉज ठंड लग रही है। और अभी यहाँ पे थोड़ा घूमते हैं और फिर चलते हैं और मॉल रोड दिखाते हैं आप लोगों को। तो हम लोग यार मॉल रोड पे घूम रहे हैं अभी और बहुत सही यार, मतलब मसूरी की मॉल रोड इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉल रोड, मज़ा आ रहा है। मतलब अभी मैं देख रहा हूँ यार यहाँ पे वो जो लवली ऑमलेट वाला है तो वहाँ से ऑमलेट खाएंगे शायद, तो देखते हैं कितनी देर की वेटिंग चल रही है वहाँ पे, मज़ा बहुत आ रहा है, मतलब वेदर इज़ वेरी गुड है। अभी मॉल रोड पे घूमते घूमते आए थे हम लवली ऑमलेट सेंटर एंड ऐसे कहते हैं कि इंडिया का बेस्ट ऑमलेट बनाते हैं यहाँ पे अंकल जी, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो अभी टेस्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा है।
मसूरी में घूमते घूमते हमें ये बहुत अमेजिंग जगह मिली जिसका नाम है कल्सन फ्रेंड्स कॉर्नर। मेन्यू में से देख के बता रहा हूँ मैं। सुना है कि यार यहाँ के मोमोज बहुत अमेजिंग है, तो अभी हम लोग मोमोज ट्राई करने वाले हैं। लवली ऑमलेट सेंटर का जो ऑमलेट का है भाई इतना अमेजिंग था, मतलब इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑमलेट्स आई हैव एवर हैड। वी ट्राइड चीज़ ऑमलेट, इट वॉज फॉर 90 रुपीज़। अगर यहाँ आ रहे हो तो यार ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना, एंड यहाँ के मोमोज खा के बताता हूँ कि कैसे थे।